सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज यार, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी मैं सुबह उठ के जा रहा हूँ खेत पे, जो कल यार मार्केट से दवा वगैरह लेके आया था अपने खेत के लिए, तो वो खेत में डालने जा रहा हूँ। क्योंकि भाई यार, कल जब मैं बीज गाड़ने गया था तो देखा तो भाई यार बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हैं, तो मैंने कहा चल के यार सुबह सुबह डाल देते हैं। क्योंकि सुबह सुबह यार रहता है खेत में, मतलब पत्ती जो रहती है वो रहती है गीली, तो दवा उन पर चिपक जाएगी, तो फिर कीड़े भाई टक से मर जाएंगे वहीं पर। तो फिलहाल तो एकदम देख रहे हो सूरज अच्छा एकदम दिख रहे हैं हल्के हल्के से, हालांकि ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। तो अभी चलते फटाक से खेत पे, खेत का काम निपटा के वापस आना है, फिर अपनी बकरी को भी यार लेके जाना पड़ेगा अपन को, ओके। क्योंकि यार पापा तो जाएंगे खेत पे, हालांकि अभी तो नहीं आए वो लोग, क्योंकि मैं सबसे पहले उठ के और सबसे सुबह सुबह एकदम जा रहा हूँ खेत पे। तो भाई यार खेत पे तो आ गई हूँ, और खेत की दवा ये रही यहाँ पे, मतलब ये तो राख है, दवा से ली है भाई, एकदम खतरनाक पॉइजन, जैसे इसमें ये कीड़े छप रखे ना, ऐसी पट पट करके सारे के सारे कीड़े मरेंगे। देखो अभी फटाफट से भाई इसको मिलाते इसमें और फिर डालते इसके खेत में भाई, और फिर फटाफट से काम निपटा के चलते भाई वापस घर। और भाई बादल देख लो चारों तरफ हो रखे भाई, कभी भी बरसने लगता है पानी। तो यार भाई यार ये दवा तो बिल्कुल राख के कलर की है भाई, कितनी बदबू मारती है, इस बदबू से तो आदमी मर जाए, कीड़ों की तो ऐसी तैसी हो जाएगी भाई जैसी मैं इसको डालूंगा खेत में। शाबाश। तो भाई यार काम तो हो गया खत्म, जो भी था सब कुछ निपटा दिया, लेकिन पैर वैर सब गंदे हो गए और पानी यहाँ पे है नहीं, लेकिन मेरे को कुछ ना एकदम देसी जुगाड़ दिखाई दे रहा है ये चीज। इस घास से मैं पैर धुलूंगा, आप लोगों को लग रहा होगा भाई कैसे धुल जाएंगे पैर, देखना भी धुलता हूँ, क्योंकि इसमें ना सुबह सुबह इतना ज्यादा पानी रहता है, देखो देखो पानी फेंक रहे ना, अभी तक देर मेरे सारे पैर धुल जाएंगे एक पे। यो देखो ये क्लीन हो गए भाई, देख रहे हो। अभी चलते हैं भाई घर। भाई यार खेत का काम तो ख़त्म हो गया, अभी जा रहा हूँ यार बकरियों में, मतलब बकरियाँ तो पहले ही पहुँच गई खेत पे। जब मैं खेत पे गया था ना, तब जो मेरे साथ में, मतलब मैं जिनके साथ में लेके आता था, वो लोग बकरी लेके आए होंगे, मम्मी ने ढील दी होंगी, उनके साथ आ गई, तो बकरी तो भाई पहले से ही खेत पे। तो बस मैं आ रहा हूँ खेत पे अब पैदल पैदल, सब तो भाई एक जगह बैठे रहते आराम से, और बादल ऐसे हो रखे भाई बरसेगा शाम तक, ऐसा तो होता ही नहीं किसी दिन बरसे ना, बरसेगा तो जरूर, इतना तो कन्फर्म है भाई। सामने मैंने नील गायक बुलाया आ रहा है, अबे ओए किधर जा रहा है, इधर इधर इधर, अबे इधर बुलाया था मैंने, हाँ ओए, अरे यार नहीं भगा रहे, अरे डरवा रहे हो यार तुम, नुकसान था अले चलोगे भाई यार, वो तो डर ही गया यार, पीछे देखो ओए पीछे भाई, कितना स्पीड भाग रहा है, डर गया यार, भाग गया यार। हो भाई तो लिया मैंने, लेकिन अभी हो सकता है मेरे को खेत पे जाना पड़े ऐसी भाई गर्मी में। भाई दोपहर को धूप तो नहीं निकलती फिलहाल, लेकिन गर्मी बड़ा तेज लगती है, क्योंकि यार खेत पे तो भाई अभी ऐसे ही सूखेंगे थोड़े थोड़े खेत, शायद हो सकता है बीज फैलाना पड़े जाके। यार बीज लेके तो मैं अभी खेत पे जा रहा हूँ, लेकिन भाई बबेगा कि नहीं बबेगा ये बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई यार पता नहीं भाई, गीला अगर निकला खेत तो भाई बब ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर भाई खेत में अगर ट्रैक्टर घुस के फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो पहले तो देखना पड़ेगा भाई यार कि बबता है कि नहीं, तो जा तो रहे भाई, वैसे गर्मी तो बहुत लग रही है, क्या ही बताएं, जाना तो पड़ेगा, काम है तो करना पड़ेगा। जो मैं सोच रहा था ना वही हुआ, मैं सोच रहा था भाई खेत गीला हुआ तो बबेगा नहीं, और भाई यार ट्रैक्टर उसके अंदर गया ही नहीं भाई, मतलब अभी गीला है तो ये वाला तो नहीं बबेगा, लेकिन वो पास में जो है ना वहाँ पे बिल्टू के पास में जो खेत है जहाँ पे हम लोग घास लेने जाते थे, तो अभी वो वाला खेत उन्होंने बोला है वो वाला जुट जाएगा, तो अभी उस पर जाते हैं भाई, बीज उसी पर जाके फैलाएंगे, वो वाला जुट जाएगा कम से कम, चलो ये काम तो निपटेगा। हम लोग ना दोपहर को घर पे आराम से सोते हैं, और हमारे यहाँ ना सारे के सारे लोग देखो दोपहर में भाई खेतों पे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं दिख रही जहाँ पे आदमी ना हो, हर जगह देख रहे हो खेत पे काम चल रहा है, सामने देखो ट्रैक्टर चल रहा है, वहाँ पे कितने सारे लोग हैं, मतलब सभी लोग खेत पे ही है, क्योंकि भाई यार रोज़ पानी बरसने लगता है। अगर भाई इंतज़ार करोगे ना कि खेत अच्छे से सूख जाए, तो सूखने से पहले फिर से बरस जाएगा, तो अभी जितना सूखा है ना इतने भी जाके बोना पड़ेगा। तो मैं भी जा रहा हूँ भाई जाके बीज फैलाता हूँ फटाफट से, भाई ट्रैक्टर आएगा फिर तो अपना भी काम ख़त्म हो जाएगा, चलो एक खेत का काम निपटेगा अपना। ये वाला खेत तो एक बार जुट गया, और अभी यार ये लाल लाल बीज फैला रहे हैं, बीज फेंक जाएगा तो फिर देखो सामने खड़ा है ट्रैक्टर भाई, यहीं से शुरू होगा। भाई यार काम तो हो गया ख़त्म, बीज तो मैंने फैला दिया, और देख लो पसीना भाई गर्मी, और हाथ मेरा देख लो क्या लाल हो गया पूरा, और ट्रैक्टर भी चलना शुरू हो गया, हाय गर्मी भाई यार तेल निकला है मेरा। तो भाई यार अपना काम हो गया ख़त्म, खेत जुट चुका है, ट्रैक्टर भी चला गया है, तो भाई यार अपन भी चलते हैं यार घर। भाई क्या ही खतरनाक वाली गर्मी लग रही है, क्या ही बताएं भाई, मतलब
इतना काम मैंने किया तो इससे पहले, लेकिन भाई ऐसी दोपहर में यार पहली बार किया तो हालत ख़राब हुई। तो भाई चलो चलते हैं भाई, अपनी हायाबूसा निकालते हैं और निकलते हैं घर की साइड भाई। तो भाई यार अपना खेत का एक काम तो हो गया ख़त्म, और भाई गर्मी देख रहे हो आज पूरा एकदम, ये लग रहा है भाई नहाया हो मैंने एकदम अभी तो। अब भाई आज मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया, तो अभी फटाफट से पहले तो खाना खाते हैं और आज का ब्लॉग है ना यहीं पर एंड करता हूँ। होप करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में वापस, तब तक लिया टी क्यू एंड।